बेबी यहाँ आओ। कहाँ पे आना है? कहाँ? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो ना। और मैं वहाँ क्या करूँगी? तुम मुझे कुछ दिखाओगी या फिर ऐसे ही? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, मुझे अपना सामान दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये लायक है या यही बैठी रहूं। और अगर ये बड़ा हुआ तो कहीं और बैठूंगी, समझे? और कितना इंतजार करूं? लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं दिखा सकता। लेकिन तुम मुझे दिखाना क्यों नहीं चाहते? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तुम एक झटके में कर सकते हो। मूर्ख कहीं के, बकवास करना बंद करो। कहां से हो तुम? दिखाने में भी तुम्हारी फट रही है और मुझे पास बुला रहे हो। क्या तुम अब उंगली से करना पसंद करोगे? मैं खुद कर सकती हूँ यूज़लेस। ये गधा किसी काम का नहीं है, पूरी तरह से बेकार है। अगली बार से मुंह बंद रखना और उस छोटे कीड़े को अपने पेट में ही रखना, वरना कबूतर खा सकते हैं। क्या हुआ? हे ऊपर वाले, तुम अंधे हो या मूर्ख? बेवकूफ कहीं के, हे कैसे हो मेरे दोस्त, बताओ। मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्या समय पर आना इतना मुश्किल है? मुझे समझ में नहीं आती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम मतलब क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू हूं? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करने के अलावा? अपनी फालतू बातें बंद करो, हम इसलिए नहीं मिले कि ताकि तुम बकवास कर सको, समझे? और हाँ, एक बात और, जाकर तुम भाड़ में जाओ और जो करना है करो। क्या? हाँ, मेरे साथ बकवास मत करो। बेवकूफ। हाँ भाई, मैं हूँ। क्यों? मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ और इसीलिए तुम्हें ये सब ढूंढने के लिए कह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। सही कहा ना मैंने? तुम भाड़ में जाओ और अपनी बकवास बंद करो, अब समझे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? क्या बताऊं मैं, एक कुतिया यहां बैठी थी और सारा मूड खराब कर दिया उसने। तो तुमने कुछ किया होगा? क्या नहीं किया? क्या तो वही करो जो हमेशा करते हो, हाथों का इस्तेमाल। कोई बात नहीं, सब्र करो, तुम वहां जरूर पहुंचोगे, भरोसा रखो। जरूर पहुंचूंगा, लेकिन अभी हमारी लगी हुई है। सुन इधर, हमारा बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, बता क्या करें हम? मुझे तो लगता है हमें फिर से बात बेचना शुरू करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। समझ रहे है ना मेरी बात को? क्या तुम पागल हो? बात बस इतनी सी है कि मैं 2 ग्राम वीड के लिए मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता और ये सब मैं दोबारा से नहीं कर सकता। मुझे मालूम है इन सब में कितनी सारी तकलीफें और प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मैं ये सब नहीं झेल पाऊंगा, सच कह रहा हूँ। वीड फूंकने वाली औरतें बुरी नहीं होती। मुझे पता था कि तुम औरतों की बात करने वाले हो, बातें कितनी भी करो पर तुम्हें मिलने वाली नहीं है, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, पर फिर भी डटे हुए हो। हाँ, फालतू की बकवास मत करो। तुम्हारी एक्स की तरह हर किसी को टॉयलेट में प्यार नहीं होता। क्या? कुछ नहीं, भूल जाओ। ये चाइनीज माल किसी काम का नहीं है। देखो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। तुम्हारे पास कौन सा प्लान हो सकता है? हमने अभी तक 2 महीने पहले खरीदा हुआ चाइनीज माल बेचा नहीं है और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि उसे कोई खरीद भी नहीं रहा है। मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे? हाँ, कैसे हो? जरा वहां देखो। तुम कैसे ये सब कर? तुम बस देखते जाओ, मैं अभी आया। मैं मिलता हूं जरा उससे।
हे हाय, समय निकालकर यहाँ आने के लिए शुक्रिया। कहाँ है? कौन? कौन क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता मेरा मतलब क्या है? ध्यान से सोचो, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? तुम्हें उससे क्या चाहिए? तुम मुझसे बात करो या इससे? तुमसे। तो फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? वैसे हाँ, क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रहा हूं? तुम्हें कैसे नहीं पता? ये बताओ मेरी बियर कहाँ है? हाय फ्रेडो। हाय, कैसे हो? तो फिर ये बताओ बियर कहां पर है? अरे बैठो, मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। रोना बंद करो, चलो बैठो। इसे ले जाओ, बाहर में जाओ। मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर हो, वरना मैं तीन बोलता। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बियर नहीं पीता। गलत बात, क्योंकि मैं फिर से बियर ऑर्डर करने वाला ही था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मजाक है। और इसी बात के लिए तो हम हंस रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। हाँ, हम साथ में काम किया करते थे। हाँ, यूलोन में। हाँ, तुम फिर से मजाक कर रहे हो। कम से कम 20 साल। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? कूल, मैं इसे क्या कहूँ? तो तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? हाल में ही मैं इस शहर के टूरिस्टों को ध्यान से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। वो सभी का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि तुम स्लोवेनिया हो, फिर वो तुम्हारी परवाह नहीं करते। तुम्हें एक कप कॉफी के लिए आधे घंटे इंतजार करना पड़ता है। और इतना सब कुछ होने के बाद मुझे लगता है कि हमें रेस्टोरेंट में तो जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे। तुम जलते हो, वो तुम्हें भाव नहीं देती है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मेरी बात समझो। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। मैंने नदी के किनारे से देखा, वो कुछ भी खरीद रहे थे। मतलब वो चाइनीज माल से भी 10 गुना बेकार माल था वो खरीद रहे थे, सच में। और ये सब देखने के बाद मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। बताओ, अगर टूरिस्ट अपने पैसे ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में। लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमने कुछ किया होता। ये सब इतना आसान नहीं है। इसके पहले आपको लाइसेंस चाहिए, फिर सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद आपको प्रूफ करना होगा कि आपका सामान सबसे अच्छा है। ये सब बेचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आपको बताना होगा कि आपका सामान अच्छा है, बस। और उसके बाद टूरिस्ट सिर्फ फालतू चीजें नहीं खरीद रहे हैं, वो टूर का भी मजा ले रहे हैं। तो टूरिस्ट हाँ, सही कह रहे हो। कहाँ? लुब्लाना के पास? हाँ, इसके पास और बाकी सारी जगहों पर भी। लेकिन इससे मेरा क्या लेने देना? सुनो, वहाँ पर सब कुछ है। वालबुर्गा। क्या? वालबुर्गा क्या? क्या है वो? एक महल। हाँ, और क्या है वहाँ? कुछ नहीं, बस एक पुराना पालना जो टूट रहा है। ये तुम्हें कैसे पता? वो जगह हमारे अंडर में। क्या? हाँ, क्योंकि मेरी खुद की सिक्योरिटी कंपनी है। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही। वहाँ की सिक्योरिटी तुम्हारे पास है। पता है, लेकिन वो लोगों के लिए बंद है। वहाँ बाहर के लोगों का आना जाना मना है, बिल्कुल मना। हाँ, यही तो समझा रहा हूँ कि ये खास बात है। क्या सच में? पुस्तोजना गुफा और यहाँ पर सारे लोग यहीं पर टूरिस्टों को लेकर जाते हैं, पर हम कुछ अलग देंगे टूरिस्टों को, जैसे कि हम कुछ नया करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वालबुर्गा के बारे में पता ही नहीं है और हम उन्हें वहाँ पर लेके जाएंगे। लेकिन इसे कौन देखना चाहेगा? हाँ, वही बात तो मैं बता रहा हूँ। क्या? मुझे अपनी बात तो खत्म करने दो, बोलते जा रहे हो बीच में। करने दो, तुमने अपनी बात नहीं की तो राहुल का पैसा देना पड़ेगा। मैं वैसे भी दूंगा, एक नहीं दो दूंगा, समझ गया मेरी बात? यकीनन मैं देखना चाहूंगा। वैसे भी मैं देख रहा था कि टूर्स कैसे काम करते हैं। कुछ खास नहीं है, पर बहुत आसान, बहुत आसान है। देखो, ऐसा है कि टूरिस्टों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर और अलग अलग चीजें दिखानी है और बस उन्हें उन चीजों के बारे में बताना है। और बस सच बता रहा हूँ, ये काम करके लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और हम भी कमा सकते हैं। हमें करना क्या है? अगर एक ग्रुप में 10 लोग भी हैं तो हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमें बस उनके साथ घूमना है और कुछ नहीं। ये बहुत ही आसान है और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, अच्छा है, पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम उन्हें वालबुर्गा ले जाएंगे और वो आ जाएंगे। हाँ, जैसे कि वो वालबुर्गा बहुत ही दिलचस्प जगह है, एक महल जैसी। हाँ, क्या तुम वहां कभी गए थे? कब कब? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि टूरिस्ट को लेकर वहां कैसे आओगे? बहुत आसान है, एक कहानी के साथ मिनी बस। किस तरह की कहानी की बात कर रहे हो तुम? हम उन्हें बताएंगे कि वहां पर बहुत बुरे लोग रहते थे और रईस लोग भी रहते थे। जब किसान अपना टैक्स नहीं देता था तो उनके बच्चे को जला देते थे वो लोग। बस करो, कितनी देर से बकवास किए जा रहे हो तुम। नहीं रुको, ऐसे लोग सच में है, मैंने फोरम पर देखा था। कैसा फोरम? तुम बिना बोझ इंटरनेट पर देखा था मैंने। क्या ये सब चीजें तुम इंटरनेट पर ढूंढी जा रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? अपनी बकवास बंद करो, मुझे अपनी बात खत्म करने दो। तुम बोलते जा रहे हो बार बार, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ भी, देखो ये सच में रईस था, मैंने इंटरनेट पर देखा था और जितना भी मैंने इंटरनेट पर पढ़ा वहां पर लोग बताते हैं कि वो ड्रैकुला का कजिन था। वो क्या? ड्रैकुला का कजिन? क्या कहा? ड्रैकुला? हाँ ड्रैकुला। तुम्हें हो क्या गया है? होश में हो ना? इसे देखो यार, कब से बकवास किए जा रहा है, अभी ड्रैकुला कहां से आ गया बीच में? तुमने पी हुई है क्या? रुको रुको, उसे बोलने दो, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं जानता था तुम मेरी बात समझोगे फेरडो। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद है, तो फिर इसे टूर क्यों ना बनाया जाए, बताओ। और हम अच्छे से इंटरनेट पर इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, ये आइडिया सच में हिट होगा। फेडो हमें एक्सेस देगा, मैं गाइड बनूंगा और उन लोगों को घुमाऊंगा, सच में काफी पैसा आ जाएगा। ये बताओ मैं क्या करूं? मिनी बस चलाऊं क्या? तुम ड्रैकुला बनना पसंद करोगे क्या? तुम बेवकूफ हो और उन्हें वही चाहिए। बेवकूफ हो, तुम्हें तो बस वही चाहिए। हाँ सही कह रहा हूँ ना, एक मजेदार शो होगा जिसका वो सभी मजा उठाएंगे। ये आसान है, लोगों को काफी पसंद आएगा। एक मिनट रुको, तुम कह रहे हो कि मुझे लोगों का बिना किसी परमिशन के एक ऐसी जगह एंट्री देनी है जिसका चार्ज मेरी कंपनी के पास है? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं कौन हूं? मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें ऐसी घटिया चीजें दिमाग में ला करके? तुमने नहीं सोचा था कुछ? बताओ क्या लगा तुम्हें? मेरा मतलब मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? तुम्हारा भाई सच में बेवकूफ है। बेशक मैं रेडी हूँ, हम उनकी फाड़ डालेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे पसंद आया। फाडो, ये बताओ कि ये इमारत बंद क्यों है? अगर लोगों को इसमें इतना ही इंटरेस्ट है तो किसी ने अभी तक इसे खोला क्यों नहीं? असल में सदियों पहले इस जगह को लूटा जा चुका है और ये पूरी तरह से खाली है। यहाँ कुछ कांड भी हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ साल बाद इस जगह को एक पागलखाने में बदल दिया गया था। कुछ सालों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ ही देर में सभी गायब हो गए। पेशेंट्स एंड डॉक्टर, सब कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया, किसी को उनके बारे में पता नहीं। इसे छिपा कर रखा और ये बंद कर दिया। तुम जानते हो ये पहले कैसा था? तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, आसपास के लोग अब भी उसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं वो बहुत डरावना था और लोगों को ब्रेकफास्ट में खाता था। तुम्हें ये सब कहां से पता चला आखिर? और ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये बात तुम भी समझ जाओगे जब हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अब मेरी बारी है ना? ये हुई ना बात। भाई और लेकर आओ। लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं चला कि वो मिनी बस आखिर कौन चलाएगा। सही कह रहा हूं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जन है और आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज लाया हूँ जो आप लोगों ने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया होगा।
मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, आइए हमारे साथ इन्वेस्टिगेट करें। वालबुर्गा का अभिशाप, M&B टूर्स। हाय। हे, मैं सैम बोल रहा हूँ। सैम? हाँ सैम। क्या तुम वही सैम हो? हाँ वही सैम हूँ। सैम? हाँ सैम। हाय। हाय सैम, कहाँ हो तुम और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं स्टॉकहोम में हूँ। क्या कहाँ हूँ? नहीं, मैं अभी अपने घर पे हूँ। वैसे स्टॉकहोम कहाँ है, स्पेन में? नहीं देखो सुनो, स्टॉकलैंड स्वीडन में है। तो ये स्वीडन में है। ए सैम। हाँ मिलन। कहाँ हो मेरे दोस्त सैम? देखो मैं स्लोवेनिया आ रहा हूँ। सच में? कब सैम? हाँ, और मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए होगी वहाँ पे। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक प्राइवेट मैटर में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम्हें हीरोइन चाहिए? नहीं नहीं, मुझे हीरोइन नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक टूर के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या, कहाँ जाना है तुम्हें? टूरिस्ट टूर। टूरिस्ट टूर? हाँ, टूरिस्ट टूर। मुझे वालबुर्गा नाम की जगह पे जाना है। वालबुर्गा? क्या है वालबुर्गा? ये एक जगह है जहाँ मुझे जाना है। तुम स्लोवेनिया क्यों जाना चाहते हो? वालबुर्गा जाने के लिए। वालबुर्गा कहाँ पर है? अरे ये स्लोवेनिया में है। सच में? हाँ सच में। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रिया में है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये स्लोवेनिया में ही है। ओके, तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? देखो मैं चाहता हूँ कि तुम वालबुर्गा जाने के लिए मेरा वीजा रेडी कर दो। कहाँ? क्या सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? स्लोवेनिया में। ओके, लेकिन कहाँ पर? वालबुर्गा। अच्छा वालबुर्गा। या वालबुर्गा। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम BMF टूर्स की 3 टिकट बुक कर दो, ठीक है? BMF टूर्स? हाँ, BMF टूर्स, सुना ना तुमने? यस। हाँ, और मुझे एक गन भी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। कूल, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद कॉल करता हूँ। बाय। बाय। तो दोस्तों, आप लोग आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। जो हमने इंटरनेट पर बताया था आपको, इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपके पास होगी, पर आज हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे। आइए अंदर, आप साथ में चलिए, हम आपको बताएंगे। वाह कितनी प्यारी जगह है ना, हमने कभी चला तुमने। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो दो स्टेचूज हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। आप जानते हैं ये किसने बनाए हैं? वो काम करने वाले थे, उन्होंने बनाए हैं। और आप देख सकते हैं उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस बालकनी को बनाया है, ताकि आप सभी वालबुर्गा को अच्छे से देख सकें। और इसके बाद ये जो महल है, इसके पीछे बहुत सारी राज हैं जो हम जानेंगे धीरे धीरे करके। और मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसकी खूबसूरती के बारे में आपको और अच्छे से कोई और नहीं बता सकता। आप लोग मेरे साथ आइए और आप लोगों को कुछ लेजेंड्स और सीक्रेट से मिलवाता हूं। दिस वे। हम इस छोटे गेट से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बड़ा गेट नहीं है, हमें कैरेज से ही चलना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ओके, कैरेज। आ जाओ, आप सभी अंदर आ जाइए। हे सुनो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इससे ज्यादा बेहतर कर सकते थे? हाँ,
एक सिगरेट दो मुझे। देख क्या रहे हो, सिगरेट दो मुझे। नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, कहा ना नहीं है मेरे पास। तुम पीते हो क्या? तुम्हें क्या करना है कि मैं पीता हूं या नहीं? तुम्हारे पास है या नहीं? मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास है तो सही, मुझसे क्यों मांग रहे थे? जब तक मेरे पास सिगरेट है तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है मुझे, समझे? तुम इसे पकड़ो और इसे लेकर के जाओ। क्या देख रहे हो? क्या ये मेरा आइडिया है? नहीं, तुम्हारा आइडिया है। और सुनो, तुम एक ड्रैकुला हो। कुछ भी। कहां पर? उस छोटे से हॉल में। और जरा ध्यान से, तुम सब कुछ बर्बाद मत कर देना। मूर्ख कहीं का। भाड़ में जाओ। भाड़ में गया ये ड्रैकुला। सारे के सारे पागल, पता नहीं इनके साथ भाला पड़ा है। तो आप सभी इस महल के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक रईस था जो ड्रैकुला का कजिन था। ड्रैकुला, ड्रैकुला, पता है ड्रैकुला क्या है? रुक जाओ, क्या वो बैरन नहीं था? नहीं नहीं, ड्रैकुला एक भूत था। मैं वो जानती हूँ। हाँ, पर बैरन बैरन वालबुर्गा में रहता था। बैरन ऑफ वालबुर्गा। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये बैरन या लिखने वाला है? अब मेरा मतलब वैम्पायर स्क्रीवन। हाँ, वैसे बैरन का कोई भी असली नाम नहीं जानता है, आज तक किसी को भी नहीं पता। तो हम लोग उसे बैरन ऑफ वालबुर्गा बुलाएंगे। समझ गए आप लोग मेरी बात? सुन रहे हैं? देखिए, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, और जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही खूबसूरत इतिहास है, इसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। चैपल कहाँ है? हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। तो बात ऐसी है कि ये यहाँ का इतिहास बहुत। चैपल कहाँ है? चैपल, यस, हाँ चैपल। चलिए चलते हैं चैपल की तरफ। आइए आइए, आ जाइए, उस तरफ है, आ जाइए। तो ये है पुरानी सीढ़ियाँ। तुम बताते क्यों नहीं, पिशाच कहाँ है? हाँ, वो भी आपको पता चल जाएगा। दिन में नहीं, रात में आते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते रहिए, आ जाइए आ जाइए। वालबुर्गा में सबसे अच्छी चीज है देखने के लिए ये पुरानी सीढ़ियाँ। ये बहुत पुरानी सीढ़ियाँ है, ये एक दूसरे को जोड़ती है। ये सारे फ्लोर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। मजा आएगा वाली बात है। ये काफी पुरानी है पर आज तक टूटी नहीं है, आज भी खड़ी है मजबूती से। यहाँ पर और सारी चीजें हैं देखने लायक। यहाँ फोटो लेनी है? यहाँ वसीम, इस तरफ देखिए, ये दीवारें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहाँ पर खड़ी हो जाओ, इसे छोड़ो। इस महल छोड़ो भी, मान भी जाओ कि आज तक ये गिरी नहीं। ये देखो, है ना मजबूत? मजा नहीं आ रहा। चलो और बाकी काफी, लगता है कोई और जगह देखनी होगी। हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। आइए एक एक करके और जानेंगे। हाँ सही कहा, ये देखो, है ना अच्छा? हाँ, ये बहुत ही पुरानी है जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने एक ऐसा रूम बनाया है जहां पर आप वालबुर्गा के ड्रैकुला से मिल सकते हैं। ये सच है। और ये है दूसरे फ्लोर पर।
आप यहाँ के अभिशाप के बारे में जान सकते हैं पूरी तरह से। अभिशाप क्या है? वालबुर्गा का अभिशाप। मैंने किया, तुम्हारा मतलब ये? हाँ यकीनन मैंने किया है, पागल कहेंगे। तुम बेवकूफ हो, हमें पता है किसके पास सिगरेट है और कौन ड्रैकुला है। क्या तुम बियर लेकर के आए हो? क्या कहा? अरे यार, ऐसा लगता है पेशाब ही ऐसी चीज है, है? जिसे तुम अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन तुम तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बियर नहीं है। बकवास, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम बताओ मुझे कि मैं बियर कहां से लाऊं? मुझे लगता है हम स्टोर में भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम उस रूम की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आप ड्रैकुला से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। तो चलिए, तो हम सभी के पास एक अच्छा मौका है उससे मिलने के लिए। चलिए आइए। क्या है इसमें? ये जगह। चलो इस तरफ जल्दी। वी कैरामेल सो ही जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। ठीक है। इस तरफ। ठीक है। चलो। हे गाइस, उनके पास ड्रग्स है, चलो उनके साथ चलते हैं। तो तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों हैं? हम लोग यहाँ पिशाच को पकड़ने आए हैं, ये मत भूलो। पागल है क्या? हम गॉड्स हैं, हम एब्सिंथ पीते हैं और पिशाचों का शिकार करके उन्हें मारते हैं। वसीली, चलो चलो चलो। कितना खूबसूरत है। मैंने कहा था ना मजा आएगा। बहुत सुंदर, बढ़िया जगह है, यही सब। वसीली इधर देखो, थोड़ा प्लास्टिक लगना चाहिए ना। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। कोकेन, यही सबसे अच्छा होता है। यही सही जगह है, मैं महसूस कर सकता हूँ। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। एक नई स्टाइल, हर कोई इसे पसंद करेगा। ओह यह, तुम दोनों मेरी नई पॉर्न स्टार होगी। जरा यहाँ दिखाओ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वसीली, बढ़िया। रेट्रो रोमानियन खूबसूरती, यही तो चाहिए। और अब है यहाँ पर एक्शन की बारी। अब एक बढ़िया सा पोज दो। अब एक्शन। नीचे जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर। हाँ हाँ, यस, यही असली है। कट, बहुत हुआ, मैं इस तरह काम नहीं कर सकती। मैं प्रोफेशनल हूँ और ये किसी काम की नहीं। अरे पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, नहीं, तुम दो मुझे। बेवकूफ। वसीली। सही है, बस मुझे खुश रखो। अब आएगा बड़ा जादूगर, इसके जादू से आज तक कोई नहीं बचा। ये क्या है?
ये क्या हो रहा है? भागो! आइए मेरे साथ आइए, अब हम उस तरफ जाएंगे। क्या हो गया? अरे अरे हुआ क्या? पर ये तो बताओ क्या हो गया, मुझे बताओ तो सही। आप डरिए मत, बताइए क्या हो गया। आप डरिए मत, मुझसे बात करिए, क्या हुआ मुझे सारी बात बताइए। उस तरफ आप कहाँ जा रहे थे? फाइनली कुछ तो हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने, ये सिर्फ एक सरप्राइज है और कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं। बात समझने की कोशिश कर, उसने हमारे सामने उसे मार दिया। क्या? वो मारी गई। वो दूसरी लेडी कहाँ है? वो दो थे, मुझे ठीक से याद है। वो मारी गई है। इसने ही उसे मारा है और ये सबके सामने झूठ बोल रहा है। क्या तुमने वैम्पायर को देखा? नहीं। देखो शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। दूसरी लड़की कहाँ है? वो दो थे अगर मुझे ठीक से याद है तो। चलो बताओ दूसरी लड़की कहाँ है? वो मर चुकी है। किसने मारा? इसने। क्या? मैंने नहीं मारा उसे। कुछ है वहां, वहां अंधेरे में। वो दूसरी लड़की कहां है? बताओ कहां? वहां है वो। चलो चल के देखते हैं। चलो देखते हैं। आओ जल्दी आओ। अरे रुक जाओ। कहाँ गई वो? यहीं पर तो थी वो। क्या क्या ढूंढ रहे? अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ गई? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे वो यहीं पर तो थी, कहाँ गई? कितना बढ़िया है ना, वो यहीं पर मरी थी। मुझे कुछ तो वो कहाँ है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की। ए तुम चुप रहो, बकवास बंद करो। वैसली क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, वो यहीं पर तो थी, उसने यहीं पर मारा। तुम भी कुछ बोलो। अरे बताओ उन्हें यहाँ क्या हुआ था? स्वेन तुम्हें नहीं लगता अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है? हाँ तो ठीक है, रुक जाओ। तुम किसे कॉल करने जा रहे हो? क्या? अब मैं जिम्मेदार हूँ इन सबका। अब मेरे सामने सिर्फ तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं। कहाँ है बैरोंस आई? कहाँ है? क्या बैरोंस आई कहाँ है? चलो बताओ। बैरन की आंख या पीड़ित का लाल पत्थर एक अमूल्य अवशेष है जिसमें वेलबुर्गा के बैरन द्वारा खाए गए सभी किसानों की पीड़ा मौजूद है, नर्क की रहस्यमय ताकतों के साथ। ये रहस्यमय ताकत दुख और विनाश लाता है अगर इस शक्ति। मुझे दो। तुम जानते हो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? तो बताओ बैरोंस आई कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। मुझे अपने सीनियर्स को कॉल करने दो तो फिर मैं कुछ बता सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे तब पता चलेगा। देखिए मुझे ये सारी बातें उन्हें बतानी पड़ेगी। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं एक मिनट रुक जाइए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे देश में क्यों जा रहा हूँ? मनोरंजन के लिए? तुम्हें लगता है तुम मेरे ऊपर हावी हो जाओगे? तुम्हें लगता है क्या ऐसा? नहीं लगता है क्या? नहीं।
मेरे दोस्त के साथ बकवास मत करो। तुम नहीं समझते कि वो यहाँ का नहीं है। वो बकवास नहीं करता है। अब मूर्ख मत बनो, सवाल का जवाब दो और जो चाहता है वो उसे दे दो। मुझे शर्मिंदा मत करो प्लीज। सब हो क्या रहा है? दूर रह, तू समझा? वो मेरा दोस्त है, मेरी बात सुनो। ए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है तेरी? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, ये बकवास चीज कहां से आई? चलो बताओ कहां से आई है? कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? ये बकवास है, ये तो सिर्फ एक फकिंग स्कीम है। भाड़ में चौथ तुम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने इसके लायक क्या किया है? सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे भाई के साथ। ये सब क्या हो गया? तुम किसके लिए तड़प रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो मर चुका है? तुम इस देश में किसी का कुछ भी छल किए हुए कुछ नहीं कर सकते। तुम बेवकूफ हो, एक बेवकूफ गधा। कोकेन चाहिए? हरामखोर, उसे जो चाहिए दे दो। वो बहुत बड़ा कमीना है। वो जो कह रहा है उसे दे दो, क्योंकि वो बहुत ही प्राचीन है। मैं जो कह रहा हूं वो करो। क्या तमाशा चल रहा है? क्या तमाशा चल रहा है बताओ? बेकार का तमाशा, क्योंकि हमें बेवकूफ बना रहा है। हमारे देश में इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। ये बस हमें डरा रहा है। हमें खुद इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उस पर आप लोग गौर कीजिए। क्या ये हो सकता है? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम पूरी तरह से फेल हो। ये हो ही नहीं सकता। क्या तमाशा चल रहा है यहां पे? रामी,
आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? सुनो, हमें हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। क्या हो रहा है? वो क्या था? कोई पिशाच तो नहीं था ना? मुझे नहीं पता कि क्या है, मुझे सच में नहीं पता। मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया था, मुझे नहीं लगा था यहाँ पर ऐसा कुछ है। देखो, समझ नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, दोस्तों को मार दिया, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे भाई को मार दिया उन्होंने, मेरा दोस्त था वो, मेरा भाई था वो, क्या किया उन्होंने कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? क्या हो रहा है? मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मैं यहां नहीं मर सकता। मैं वसीली हूं, एक फेमस पोर्न स्टार। मैंने फेमस हॉलीडे बनाई है, वॉल्यूम 7 और 12। मैं यही बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरे पास एक हिट है और मुझसे कोई नहीं ले सकता। मैं इंडस्ट्री का फ्यूचर हूं। मैं यहां मरने से इनकार करता हूं। मैंने नई स्टाइल की पोर्न फिल्म बनाई है, लेस्बियन रेट्रो रोमानियन। बढ़िया। हाँ, सच में अच्छा है मेरी जान, ये तुम्हारे लिए। नॉट बैड, नॉट बैड, सच में सब सही हो रहा है ना? लुई, जल्दी चलो। नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वे कहाँ गए? सुनो, हमें वो कैरेमल ले लेना चाहिए। क्यों ना हम वापस चलकर उसे लेकर आते हैं। क्या कहा तुमने? कौन सा कैरेमल? क्या तुम पागल हो गए हो? देखा नहीं क्या हुआ? वो मर गया तो फिर क्या? तो क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया? हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। क्यों? वो तुम्हारे कुछ लगते हैं क्या? हमें वापस चलकर पार्टी करनी चाहिए। पार्टी? कौन सी पार्टी? हम गॉथ हैं। हाँ, हम गॉथ हैं, पता है, पर हम पार्टी कर सकते हैं, समझी? अब तुम उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। अब बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो, उठ जाओ प्लीज। मैं नहीं चल सक रही हूँ। चलो अब जल्दी करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, मेरे पैर में सच में दर्द हो रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ लुईस, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। कहाँ आगे बढ़ना होगा? हम खो गए हैं। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें पता है? लुईस, लुईस चला गया। हमें इस ट्रिप पर आना ही नहीं चाहिए था। हमें घर पर ही रहना चाहिए था, एब्सिंथ का सेवन करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? ये वैम्पायर को पकड़ने का हमारे लिए एक अच्छा मौका था। अब चलो भी, हमें खुद को बचाना होगा। लेकिन वो वैम्पायर नहीं था तो फिर क्या था? बताओ मुझे। इसके बारे में बुक में कुछ भी नहीं था। मैं वैम्पायर बनना चाहती हूँ, वेयरवुल्फ का शिकार नहीं।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये एक वेयरवुल्फ है? अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो अच्छा होगा तुम यहाँ से जल्दी चलो और रोना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? तुम वेयरवुल्फ के बारे में और क्या जानती हो? यहाँ आने और वैम्पायर को पकड़ने का तुम्हारा आइडिया था ताकि वो हमें वैम्पायर में बदल सके, और अब हम वेयरवुल्फ के लिए मांस के कुछ टुकड़े बनकर रह गए हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या था? क्या ये तुम्हारी कोई और वाहियात ट्रिक है? हाँ, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम्हारा कोई दूसरा भाई नहीं है जो वहाँ छुपा हुआ है और हमारा इंतजार कर रहा है? मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है, ठीक है? उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, तुम समझ रही हो? और मेरा भाई तुम्हारे दोस्त को क्यों मारेगा, पागल हो तुम? बाहर में जाओ, मैंने उसको नहीं मारा। वसीलो को किसने मारा? किसने मारा उसे? मैंने सब खो दिया, मैंने सब खो दिया, वो भी तुम्हारी वजह से। मेरा करियर खराब हो गया तुम्हारी वजह से। तुम हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। हट जाओ। क्या रशियन कराटे है? अब हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, पर हम सीढ़ियों से जाएंगे तो शायद एग्जिट गेट हमारे आसपास ही होगा, मैं पक्का श्योर। आसपास कहाँ? मुझे लगता है हमें सीढ़ियों से नीचे जाकर फिर उसके बाद फिर राइट लेना है। तुम्हें यकीन है कि लेफ्ट नहीं है? नहीं, राइट है, राइट है, पक्का राइट ही है। राइट? हाँ, मुझे पक्का यकीन है। हाँ। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, हाँ। मन बुद्धि कहीं के, तुम्हें विला के नक्शे से भी पता नहीं चलेगा। तुम्हें कभी भी कुछ भी पता नहीं था, समझे? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब बंद करो, शांत हो जाओ, हमें रास्ता ढूंढना होगा। अपनी बकवास बंद करो रसियन काऊ। चैपल कहाँ है? चैपल कौन? बस करो। चलो बताओ, चैपल कहाँ है? तुमने वादा किया था मुझे चैपल दिखाने का, तो कहाँ है अभी वो? आखिर तुम्हें चैपल की अभी क्या जरूरत है? शैतान को बुलाने के लिए। क्या कर रहे हो तुम? मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम यहाँ शैतान को क्यों नहीं बुला सकते? तुम्हें चैपल क्यों चाहिए?
हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। मुझे शैतान को बुलाने के लिए होली ग्राउंड चाहिए। बदला लेने के लिए मुझे ये करना होगा एल्सा। ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मूव। बिना मांस वाली हड्डी आ गई। तुम चिंता मत करो, हम और लोगों को पकड़ेंगे। हम खाएंगे क्या? ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, लेकिन हमें इसे अच्छे से हराना होगा। तुम्हारा जो मन आए वो करो, पकवान लजीज बनना चाहिए। अच्छा आइडिया है। नहीं। बढ़िया शिकार है ये, ठीक लग रही है मुझे। ये मुझे पसंद है और ये मेरी है। मार्जन, हम इस जगह को अब तक शायद 6 बार पार कर चुके हैं। स्वेन, हमें चैपल नहीं मिल रहा है, बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। क्या तुमने किसी को देखा? हाँ, या सिर्फ बकवास ही किए जा रही हो यहाँ? मुझे नहीं पता था ये महल इतना बड़ा है। मुझे खुशी है मार्जन कि तुम इस ऐतिहासिक आर्किटेक्चर में इतने कमिटेड हो, और मेरा मानना है कि जब तुम यहाँ के दर्शनीय स्थलों की प्रशंसा करने के लिए तैयार हो तो तुम हमें चैपल में ले जा सकते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें वहाँ ले जाओ। चैपल के बारे में नहीं पता है, मुझे नहीं पता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मैं तो एक नॉर्मल टूरिस्ट था। मैं ये सब बस कुछ पैसों के लिए करना चाहता था। तुम्हें पता है, 2 साल हो गए मेरा दिल टूटे हुए।
मैं चाइनीज चीजें बेचता था जिसको कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। मेरे आसपास सभी अच्छा पैसा कमा रहे थे पर मैं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं वो चाइनीज चीजें बेचता था अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, समझ गए तुम? क्या करूं मैं, मुझे भी अच्छी जिंदगी चाहिए, मुझे भी अच्छे पैसे चाहिए, जानते हो मैं भी चाहता हूँ अच्छी जिंदगी जीऊं, अच्छे लोगों की तरह रहूं, मेरे पास भी गन्स हो, अच्छी चीजें हो। पर मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला। बकवास बकवास, सब कुछ बकवास, सब कुछ बेकार हो गया मेरा। तो भाड़ में जाओ। और ये चैपल वैपल मुझे नहीं पता है क्या है, मैं तुम सबको बेवकूफ बना के पैसे चाहता था, पर तुम सब भाड़ में जाओ। अब जो कुछ भी सोचा सब बेकार हो गया, भाड़ में जाओ सब। ये बकवास जगह हट। एक आंख, बैरन की आंख। तो अब तुम्हें चैपल की जरूरत नहीं है। बैरन की आंख, मैंने आखिरकार तुम्हें पा ही लिया। इतने सालों के बाद तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। अब तुम मेरे पास हो, सिर्फ मेरा ही, सिर्फ मेरा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। देखो मैंने इसे बनाया है। देखो 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 बस पहले हम बाहर रहते थे, फिर जर्मनों ने हम पर हमला कर दिया। वो मंजर काफी भयानक था,
खाना नहीं, हम हर समय भूखे रहते थे। हम जर्मनों से काफी डरते थे और हम तहखाने में छिप जाते थे। जर्मन सभी को मार रहे थे, शवों को तहखाने में फेंक दिए गए थे। हमने भी इंसानों को खाना शुरू कर दिया था। तुम्हारी तस्वीर निकालो निकालो, हाँ निकालो, आजा आजा, मैं निकालती हूँ। हाँ देखो, हमने लोगों को शिकार करना शुरू कर दिया, फिर हम खाते थे, बहुत खाते थे। मेरे दादाजी को पता है और उन्होंने सिखाया कि मांस का शिकार कैसे करना चाहिए, लेकिन मुझे अब तक नहीं पता कि मांस का शिकार कैसे किया जाता है। अकेला क्यों छोड़ा इसे? हाँ उसे अकेले रहने दो। भोजन के साथ मत खेलो। हथौड़ा लो और मार दो उसे, मारो उसे, मारो। मदद करो, अगर कोई है तो मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहां से, कोई मदद करो। क्या कोई सुन रहा है? मेरी मदद करो।
देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। शिट, ये क्या है? गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं पता इसमें क्या अच्छा है। सुबह हो गई है, उठ जाओ मेरी जान। हाँ, सुबह के बाद रात जरूर होगी। क्या? कुछ नहीं, हमारे पास और बियर नहीं है ना? तुम्हें ऐसा लगता है? कल हमने एक शानदार पार्टी की थी, याद है ना? हाँ, लेकिन हमारे पास ये है लीजा। बोलो जानू। देखो, शराब सभी के लिए नहीं होती है। और ये इतनी बुरी नहीं थी, और जो भी हमारे साथ आए थे उनमें से कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन सारे के सारे कहाँ गए? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग हमें यहाँ छोड़कर चले गए हैं? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, पर असल में हमने यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया। हाँ, सच कहा तुमने, बहुत मजा आया। इतनी मार काट की मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ, वो वॉलेंस कितना अच्छा था ना? तो अब बताओ कहाँ जाना चाहते हो? आइए, हमारी हमारी अछूती प्रकृति का मजा लीजिए। आइए हमारे पास, अच्छा लगेगा आपको। हमारे घर में बनी ब्रांडी, स्वाद असली स्वाद, सुखद जीवन का स्लोवेनिया, चांदनी और सुनहरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
ऐसा लिखा है। चलोगे? हाँ तो चलो चलते हैं।